अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। ए, सुन मेरी बात। सुन एक रात के लिए, एक बार रुक, एक चलो बेटा नहा धो के जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे पापा आने वाले हैं। अवार्ड नहीं जीते, जेल गए थे, खून किया था किसी का। माँ को स्वागत वागत करने की जरूरत नहीं है। जुगनू, जो हुआ है उसे भूल जाओ बेटा, 14 साल जेल में रहे हैं वो। देखो बेटा, अब सारी पुरानी बातें भूलकर हमें आगे अच्छे से रहना है, खुशी खुशी। माँ, जो 14 साल पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा, इस बात की गारंटी ले सकती हूँ। बस फिर मैं नहीं जाऊंगा। अरे जमुना दीदी, आप इस वक्त, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अरे वाह मीनाक्षी, तेरा चेहरा कितना खिल रहा है, बलराम के आने की खुशी है। ये भाभी, नमस्कार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा छोड़िए देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बस उस इंसान का चेहरा देखने आया हूँ जिसने मेरे सगे बड़े भाई को मुझसे छीन लिया। सतपाल, अब जो हुआ उसे प्लीज भूल जाओ, सजा मिल चुकी है उन्हें। अभी सजा मिलने से मेरा भाई तो वापस नहीं आ जाएगा ना। मेरे स्वागत की तैयारी चल रही है या आरती की विदाई की? आरती की विदाई की तैयारी नहीं कर, तेरे बुरे कर्मों की सजा देने की तैयारी कर। भूल गया क्या? बलराम नाम है मेरा, निकल ले चुपचाप से, नहीं तो तेरी मुलाकात तेरे भाई से करवा दूंगा, समझा? सतपाल, चलो हमें भी यहां से चलना चाहिए, चलो यहां से। ऐसे क्या देख रहा है, लेने क्यों नहीं आया? बोलना, लेने क्यों नहीं आया? जुगनू, जुगनू, बहुत थक गया हूं, चलो। नमस्ते भाई साहब। अपने पति के कातिल के घर
बड़ा आना जाना है तुम्हारा। मीनाक्षी दोस्त है मेरी। कातिल की पत्नी से दोस्ती? कहीं गांव वाले लांछन न लगाने लगे? बोलने वालों का मुंह कौन बंद कर सकता है, उनके लिए आप कातिल हो मगर मेरे लिए मसीहा। पहले भी बस मैं आपका धन्यवाद करने आई थी कि आपने मुझे उस जानवर से बचा लिया। हरकेश एक अच्छा इंसान नहीं था, जिंदगी बर्बाद कर दी थी उसने मेरी, और आपकी वजह से मुझे ये नई जिंदगी मिली, और उस नई जिंदगी में हिनाक्षी ने एक छोटी बहन की तरह मेरा साथ दिया, और उसके लिए आप दोनों का दिल से धन्यवाद। नहीं दीदी, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मीनाक्षी, मैं चाहती हूँ कि जो भी हो उन सबको भूलकर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तुम और भाई साहब चाहो तो क्या आज हम साथ में खाना खा सकते? हाँ दीदी, क्यों नहीं, आज मैं आप दोनों की पसंदीदा सब्जी बनाऊंगी, ठीक है? लाओ दीदी, पालक मैं करती हूँ, आप आलू छील दो। अच्छा ठीक है। खाना कब तक तैयार होगा? बस खाना तैयार होने वाला है, थोड़ी देर और। याद है हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हर काम साथ में करते थे। वो वाला याद है तुझे, जब बुड्ढा हमारे पीछे पड़ गया था और उसकी दोस्ती कांटे में फंस गई थी? याद है? बीड़ी पी हो गया? मैं नहीं पीता। ये बड़ा बड़ा कट है यार। पहले जैसे अच्छे दोस्त नहीं बन सकते क्या? सब बात भूल, सब कुछ भूल के तेरे ये हाथ मेरे भाई के खून से रंगे हुए, कैसे भूल जाओ सब कुछ? तूने मेरे सगे भाई को मारा है। वो अगर तेरा भाई था तो यार दोस्त नहीं था वो। फिर भी तुझे मारा मैंने, कुछ तो वजह नहीं होगी ना यार, तू समझ भी नहीं रहा है। यार मणिकलाल का लालच बढ़ता जा रहा है, हमें कोई और सुना ढूंढना पड़ेगा लूट का माल बेचने के लिए। बात तो तुम सही कह रहा है, पर साला एक अपराध खरीदने वाला इतने आसानी से थोड़े न मिलता है। अरे उसके अलावा और भी तो है, जब तक दूसरा नहीं मिलता तब तक छुपा के रखेंगे, लेकिन मनिक लाल को नहीं बेचेंगे।
एक बात तो माननी पड़ेगी, किस्मत वाला साला बाहर दिन भर धक्के खा के आओ थक के आओ, और वो तेरी सारी थकान मिटा देती है। तेरी वाली नहीं मिटाती क्या? पर क्या है ना, तेरे वाली की बात ही अलग है। कह रहा हूँ कि आने वाले जितने भी काम है ना उनका सब मुनाफा दे रहा, एक रात उसके साथ और मेरी जिंदगी तेरा, जो तू कहेगा वो। राकेश तू ज्यादा बोल रहा है, मान जाए। तू मेरी बीवी के साथ सोना चाहता था, तू बता मैं उसे मारता नहीं तो क्या करता? इतने सालों से अकेली रह रही थी तू, अब भाई साहब आ गए तो खुश तो बहुत होगी। अब सब ठीक हो जाएगा, जुगनू भी बहुत खुश होगा, और मुझे यकीन है भाई साहब तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मीनाक्षी, ए, क्या हुआ, क्यों रो रही है? मीनाक्षी भाई साहब आप यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं ऐसे। देखिए कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बात बता, 14 साल तक मैं जेल में था और वो यहाँ पर अकेले, और जब आया और उसके साथ तो कुछ तो फर्क आना चाहिए ना। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहा है ना? उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा। जेल में रह के दिमाग खराब हो गया आपका? 14 साल पहले जो पत्नी आपकी थी आज भी वही है। ये सब आप फालतू का सोच रहे हैं और कुछ नहीं है। अरे नहीं यार, तू समझ नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा मन नहीं मानता यार। भाई साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, भाभी बहुत अच्छी है, आपके जाने के बाद पूरी घर गृहस्थी संभाली उन्होंने। ये मानिए कि 14 साल इंतजार किया है आपका उन्होंने। जी नहीं लगता उसने मेरा इंतजार किया। देखिए मैं बस इतना कहूंगा कि इसी भ्रम में आप ना बना बनाया रिश्ता मत खराब कर लीजिएगा। मुझे मत सिखा, और ये मेरा कोई भ्रम नहीं है, पक्का उसका चक्कर किसी के साथ चल रहा है, और आज नहीं कल पता चल जाएगा कि वो कौन है। चाची बस, उस आदमी के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकता अभी। अरे बेटा तुम इसी घर के बच्चे हो, तुम यहाँ रहो या वहाँ एक ही बात है, तुम मुझे बस इस बात इतना बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो। चाची आपको पता है उस आदमी ने क्या किया? कल रात उसने फिर से वहाँ पे हाथ उठाया। चाची जिस आदमी की आत्माएं मैली होंगी तो दुनिया की कोई भी जेल 14 साल या 14,000 साल भी अंदर रख लेना तो भी सुधार नहीं सकती। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी हैं, उनके बारे में ऐसे मत बोलो। पिता, उन्हें पता है पिता क्या होता है, पिता का फर्ज क्या होता है। अच्छी मुझे ना इसी बात का डर है, मैं नहीं रह सकता उस आदमी के साथ, क्योंकि अगली बार अगर कुछ हुआ ना तो याद रखना मेरी रगों में भी उनका खून दौड़ रहा है, जो बार बार उफान मार के यही कह रहा है कि मैं अपनी माँ को उस जल्लाद से बचाऊं। और चाची अगर मुझे अपनी माँ के लिए 14 साल भी जेल जाना पड़े ना तो मुझे मंजूर है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, पिता है वो तुम्हारे, और ये बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए बेटा। माँ बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है। बच्चा है, बच्चे की तरह रहना, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है? ये हमारे बीच की बात है,
हम संभाल लेंगे। कैसे संभाल रहे हो ना आप, दिख रहा है। मां, अगर उस आदमी ने आपको फिर से हाथ लगाया ना, सच्ची बता रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आजा, 2 मिनट बात करनी है तेरे से। मुझे नहीं जाना कहीं। बेटा, तुझे अपने पापा के साथ भी वक्त बिताना चाहिए। चला। कोई भी तेरा गुस्सा देखकर बता सकता है कि हमारा बाप बेटे का रिश्ता है, पर ये मत भूल, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरा बेटा। और ये जो गुस्सा तेरे नाक पे बना रहता है ना, ये मेरी देन है। और गुस्सा बेवजह नहीं है, मेरी माँ पे हाथ उठाया आपने। ये मत भूल, वो मेरी पत्नी है, समझा? मैं उसके साथ जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, तू बीच में नहीं आएगा, समझा? मेरी माँ है वो, और अगर किसी ने गलत किया ना उनके साथ, तो चुप नहीं बैठूंगा, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। क्या करेगा, बोलने क्या करेगा? हिम्मत बहुत बढ़ गई है तेरी। मीनाक्षी, पानी लेकर आओ। जुगनू, जुगनू बेटा क्या हुआ? जुगनू बेटा क्या हुआ? किसने, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? अरे बच्चा, आजा आराम से, आराम से। जुगनू, जुगनू कहाँ है? उसे समझाने ले गया था, जब उसे समझ में आ जाएगा ना, खुद वापस आ जाएगा। सच सच बताइए, वो कहाँ है? कहीं आपने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? अपने काम से काम रख मीनाक्षी। जुगनू, जुगनू क्या हो गया बेटा? ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? चल हल्के आ जाओ, बैठ बेटा यहाँ। जुगनू मैडम, सुखपाल तुम्हें कुछ पता है कि भाई साहब के मन में क्या है? बलराम, भाई साहब के मन में कोई बात घर कर गई है, तभी तो वो ऐसा कर रहा है।
मुझे लगता है कि उन्हें समझाना चाहिए, पर कैसे समझाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसने ये सब क्यों किया? क्या हुआ ऐसा? उन्हें लगता है कि तेरा किसी और मर्द के साथ। और उसे ऐसा क्यों लगता है? मालूम नहीं, 14 बरस तक वो जेल में थे। तुमने कुछ फर्क लग रहा है। अरे ये क्या बात हुई कि अगर वो यहाँ नहीं था तो तुम किसी और के साथ? तुम रुको, मैं बात करती हूँ उससे। बलराम भाई साहब, ये बात ठीक नहीं है कि आप एक शक के चलते मीनाक्षी को पीटे। 14 साल उसने आपका इंतजार किया है। वो चाहती तो छोड़ छाड़ के सब कुछ जा चुकी होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये घर और आपका बच्चा दोनों संभाला, और आप एक शक के चलते उस पे इतना जुल्म कर रहे हैं। 14 साल से अकेली तो तुम भी हो, पति की कमी तो तुम्हें भी खलती होगी। पता है हरकेश ने मरने से पहले मुझसे क्या कहा था? मैं तुम्हारे साथ सोऊं, ये आखिरी इच्छा थी उसकी। ए, ए, सुन ना, सुन ना, सुन ना, सुन ना, सुन ना, मेरी बात है। मेरी बीवी तेरी मीनाक्षी, मेरी जमुना तेरी। ए, सुन ना, सुन ना, मीनाक्षी मेरी जमुना तेरी। एक रात के लिए, एक बार, एक रुक, एक बार, एक ज्यादा घूरेगा तू, ज्यादा घूरेगा। आज तुम्हारे तेवर देख के लग रहा है तुम्हारे पति की आखिरी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। वो आदमी ऐसी बात कर सकता था, ये हम जानते थे, लेकिन आप ऐसी बात करेंगे इसका अंदाजा हमें बिल्कुल भी नहीं था। वो तो जल्लाद था, लेकिन आपने भी मुझसे ऐसी बातें की। छी, जुल्म तो हम अपनी पत्नी पे करते हैं, तुम कहो तो सारा प्यार न्योछावर कर देंगे तुम पे। अरे 14 साल की कमी एक बार में पूरी कर देंगे, बस एक मौका देके तो देखो। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, जिस औरत ने आपको अपने पति की हत्या के लिए माफ कर दिया, उसके साथ आप ऐसी बातें? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, अपनी याद में रख। मत मारिए मुझे, मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। इस बदन से था तुम्हारा रिश्ता, जिसे तुमने 14 साल तक इस्तेमाल किया, और आज वो जानवर इसे किस तरह कुचलता है, इसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अब आए हो तुम, इतने दिनों बाद। ऐसा कुछ नहीं मच, मैं बस डरता था तुम्हारे लिए, जुगनू के लिए, क्योंकि बलराम एक बहुत खतरनाक इंसान है। हाँ, है वो खतरनाक इंसान, वही इंसान आज रोज रोज
थोड़ा थोड़ा मुझे मार रहा है। जुगनू बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? अपने बाप की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उसे उसकी सही जगह दिखा सकूं। कहां जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूं एक ऐसी औरत के पास जो एक बार मेरी हो जाए तो मेरी रहे, तेरी तरह नहीं जो लोगों में बटती रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जमुना के पास जा रहा हूँ हरकेश की आखिरी इच्छा पूरी करने। हरकेश की आखिरी इच्छा? आप जमुना के साथ? इसलिए आपने हरकेश को मारा ताकि आप जमुना के साथ सो सको? मैं जानता था तू कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकती। हरकेश को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि वो तेरे साथ सोना चाहता था। और जो तुम कर रहे हो वो तो तुम में और हरकेश में क्या फर्क है? और मुझे कोई फर्क चाहिए भी नहीं। पर अपने आशिक को बता देना, मुझे उसका नाम पता चल गया ना तो उसका भी वही हाल करूंगा जो मैंने हरकेश का किया था। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई, छोड़ो मुझे। ऐसा कैसे छोड़ दूं? जब अपने आशिक को मेरा संदेश देगी ना तो उसे इस चेहरे पर दर्द तो नजर आना चाहिए। मुझे दर्द हो रहा है। एक बॉडी मिली है, लोगों का कहना है कि आपके पति का है। आप मेरे साथ चलिए शिनाख्त के लिए। बलराम तुम? तेरे पति की आखिरी इच्छा पूरे करने आया हूँ। उसे भुगतना होगा। भाई के कत्ल के लिए तुझसे मैंने माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी किया है उसने उसके लिए माफ नहीं करूंगा। माफ करना भी नहीं है उसे। मैंने मार दिया। बेटा, तुमने किसे
को नहीं मारा, हाँ शांत हो जा ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया तुमने। इसके सर पे चोट लगी है लेकिन बॉडी के आसपास कहीं खून नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इसको कहीं और मारा गया है और लाश को यहाँ फेंक दिया गया है। सूरज एक काम करो, इनके बारे में पता करो और इनकी फैमिली वालों को बुला लो। हरे अब भाभी, कहाँ हो भाभी? भाभी क्या हुआ? मैंने बलराम को मार दिया। दूर कहाँ जा रही हो? पास में, पास। नहीं, बलराम। किया है बेटा तुमने, ये देखो देखो ये वही चाकू है, घबराओ मत। और ये देखो तुमने सिर्फ इस तकिए को मारा है, देखो इसमें सिर्फ रुई है। बेटा यहाँ देखो, तुमने अपने पापा को नहीं मारा है, हाँ तुमने सिर्फ इस तकिए को मारा है, ठीक है शांत हो जाओ। हाँ कुछ आएगा दीदी, इसे समझाओ ना, देखो कब से ऐसे ही बैठा है। जुगनू बेटा क्या हुआ? सुन मेरी बात सुन, देख घबराओ मत, हो जाता है बेटा कभी कभी। एक बॉडी मिली है, लोगों का कहना है कि आपके पति का है, आप मेरे साथ चलिए शिनाख्त के लिए। भाभी आप परेशान मत हुए, उसके किए की सजा मिली है उसे, मैं इस बात की भनक किसी को नहीं होने दूंगा, तो ज्यादा मत सोचिए। आपको किसी पे शक या इनकी किसी से दुश्मनी, ऐसा कुछ भी है जो आप मुझे बताना चाहेंगी? पापा के दो नंबर के धंधे बहुत थे, इसलिए उनके दुश्मन भी बहुत थे, लेकिन वो 14 साल जेल में थे, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई दुश्मन घर तक आया हो।
मां को भी नहीं पता कि कौन और कितने दुश्मन है। मेरी मां है वो, और अगर किसी ने गलत किया ना उनके साथ तो चुप नहीं बैठूंगा, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। क्या सोच रहा है बेटा? यही पापा को किसने मारा होगा? वो पुलिस का काम है बेटा, वो पता भी लगा लेंगे और सजा भी दे देंगे। मेरे पापा थे, पुलिस क्यों सजा देगी? ये तो क्या बोल रहे, तूने ही तो बोला था ना कि अच्छा हुआ वो मर गए। माँ वो आपको मारते थे, मुझे मारते थे, मेरा उनको मारना जायज है, लेकिन कोई और आके उनको ये कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ? तुम ये मेरी रगों में भी उनका खून दौड़ता है ना। माँ कितनी भी नफरत क्यों ना करता हूँ, पापा तो मेरे ही थे ना, मैं बाप की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी मौत का बदला मैंने नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे? ढूंढने दो पुलिस को, सजा तो मैं ही दूंगा। पुलिस का कहना है कि उसके सर पर मार लगी पर वो उससे नहीं मारा। लेकिन उसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था, उसकी बॉडी वहां कैसे पहुंची? तुमने सुना ना पुलिस ने क्या कहा कि उसकी बॉडी जहां मिली है वो वहां नहीं मरा, तो मतलब वो मरा तो यही है ना? नहीं दीदी, वो यहां नहीं मरा है। हमने उसे उस रात हमारे घर की खिड़की से जाते हुए देखा था, एक हाथ सिर पे था लेकिन दूसरे हाथ में शराब की बोतल थी, वो कहीं और जा रहे थे। हमें बस इस बात की खुशी थी कि वो हमारे पास नहीं आ रहे थे, और अब इस बात की खुशी है कि वो वापस कभी नहीं आने वाले। और दीदी, आप अपने मन से ये बोझ हटा दीजिए कि आपने किसी की जान ली है, आपने तो बस खुद को उस दरिंदे से बचाया है, उसकी जान तो किसी और ने ली है। चलो अच्छा है कि आप सभी लोग एक ही जगह पे मिल गए, तो आप लोग बताइए कि उस रात कहाँ थे? हम तो यही थे घर पे रोज की तरह। हाँ, घर पे ही थे। आप दोनों पे तो हमें वैसे भी शक नहीं है, क्योंकि बलराम काफी सालों बाद घर आया था, और आप दोनों तो खुशी होंगे ना। शक तो हमें जमुना जी पे है, क्यों? आपके पति को बलराम ने मारा है ना? हाँ, लेकिन मैंने उसके लिए उसे माफ कर दिया था और धन्यवाद भी किया था कि उसने मुझे एक जानवर से बचा लिया। क्यों जनाब, हरकेश आपका भी भाई था ना? जी वो, हाँ मेरे ही भाई था। वो हमारे साथ थे, हमारे कमरे में। मैंने अपने भाई के लिए तुझे माफ कर दिया, लेकिन मीनाक्षी के साथ जो तूने किया है उसका पूरा हिसाब देना होगा तुझे। हिसाब तो मैं करूंगा, तेरा मैं करूंगा। रुक जा सतपाल, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, वो मेरे घर में थे, हमारा रिश्ता है 14 साल से। क्या कह रही हो मीनाक्षी?
सच। हेलो सतपाल, सतपाल हट जा यार, आज तेरे साथ बैठने का मन नहीं। हरकेश भाई था मैं, मैंने तुझे माफ कर दिया क्योंकि मेरा भाई घटिया आदमी था, वो भी अपने प्यार के खातिर। रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके मुझे मार रहा है, जिसे तुमने प्यार करने का दावा किया था। दावा नहीं करता था मैं, अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार की खातिर? और तूने क्या किया जमुना भाभी के साथ? और मीनाक्षी, उसके शरीर पर चोटों के निशान देखे तूने? तूने कैसे देख लिया उसके शरीर पर निशान? तू मेरे भाई को गंदा आदमी बोलता था, पर पता है तू दुनिया का सबसे घटिया आदमी है। बस मत कर, मीनाक्षी की जिंदगी नरक बना दी तूने। उसे पीटा क्योंकि तुझे लगता था कि वो 14 सालों से किसी के साथ है। जानने नहीं चाहेगा वो कौन है, बताना। जानने नहीं चाहेगा, बताना कौन है। मैं और मीनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने भाई के लिए तुझे माफ कर दिया, लेकिन मीनाक्षी के साथ जो तूने किया है उसका पूरा हिसाब देना होगा तुझे, वो भी आज। साफ तो मैं करूंगा, तेरा मैं करूंगा। रुक जाओ सतपाल, ये इंसाफ मुझे चाहिए। हटो। जल्दी से इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, ले जाओ इसे। वो मार कर हम खुद को और अपने बेटे को बचा लेंगे, लेकिन जब हमने अपने बेटे की आंखों में बदले की आग देखी तब हम समझ गए कि हम अपने बेटे के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, अपने बेटे की जिंदगी तो दांव पे नहीं लगा सकते। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। लेकिन ये सब आप अब क्यों बता रही हैं? हमको लगा था कि बलराम को मार कर हम खुद को और अपने बेटे को बचा लेंगे, लेकिन जब हमने अपने बेटे की आंखों में बदले की आग देखी तब हम समझ गए कि हम अपने बेटे के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, अपने बेटे की जिंदगी तो दांव पे नहीं लगा सकते। दीदी, सब कुछ आपके भरोसे की है। दीदी, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखेंगी, उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगी। शायद मैं नहीं बना सकी, उसके सिर पर से उसके पिता का और इस घर की परछाई हमेशा के लिए दूर रखेंगी ना। मैं वादा करती हूँ लक्ष्मी, तुम लोग का हमेशा ध्यान रखूंगी। चलिए